हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देसी मुर्गी का चिकन बनाने वाले हैं। तो अभी हम लोग ग्रुप जो है यहाँ पहले सबसे पहले एक हो गए हैं। अभी देसी मुर्गी ढूंढने जाएंगे, अभी अब तक मिले नहीं हैं। पहले जाते हैं, फिर देखेंगे वहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, आपको दिखाएंगे। तो हम लोग के साथ वीडियो में लगे रहिए। जहाँ से देसी मुर्गी हम लाने वाले हैं वो जगह हम लोग के घर से 1.5-2 किलोमीटर होगा। तो हम लोग अभी बाइक से निकलने वाले हैं, तो चलो मैं रास्ते में दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग निकल गए हैं अभी। ये हम लोग का गांव है, ये जो है इधर मंदिर पड़ता है और हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं। अभी हम लोग का गांव का ये है मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये है हम लोग का पंचायत ऑफिस और ये सब भी मार्केट कॉम्प्लेक्स है। ये आंगनबाड़ी और हम लोग का खास बात जो है वो है ये स्कूल। हम लोग का यूपी स्कूल है जहाँ हम बचपन से पले बड़े हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग का गांव खत्म हो गया। अभी कंक्रीट रास्ता, अभी मिट्टी वाला रास्ता है जो कि बहुत ख़राब है। ये रास्ता के लिए बार बार सब कोई गांव वाला कॉम्प्लेन किए, बट अब तक ये हुआ नहीं है। सब तरफ हो गया है, बस हम लोग का ये साइड वाला काम नहीं हुआ है। और बारिश का मौसम में बहुत दिक्कत होता है। तो चलो आगे देखते हैं रास्ता कैसा है, क्या नहीं, कितना टाइम लगेगा, पहुंच जाएगा। अभी स्ट्रेट रास्ते से हम राइट साइड आ गए हैं और ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ी दूर में उल्लू का घर है जहाँ मुर्गी मिलने वाला है। तो अभी जाएंगे और मुर्गे सब घर में होंगे कि नहीं नहीं पता। उसका घर पहुंच के पहले पूछना पड़ेगा मुर्गे है कि नहीं। अगर घर में मुर्गे नहीं है तो बाहर छोड़ दिए हैं, तो उन लोग को हम भगा भगा के पकड़ने वाले हैं। तो कैसे पकड़ेंगे आपको दिखाएंगे। आप लोग के साथ वीडियो में बने रहिए। अब देख सकते हैं हरियाली हरियाली है, यही है गाँव का नज़ारा। गाँव में बहुत अच्छा लगता है इसलिए रहने के लिए चारों तरफ। अब देख सकते हैं हरियाली है हरियाली। तो चलो चलते हैं उनके घर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं उन लोग का घर। मैं आपको उन लोग का घर दिखाने वाला हूं जहां से मुर्गी लेने वाले हैं। ये जो घर दिख रहा है सामने, हम यहीं से मुर्गी लेने वाले हैं। और अभी हम घुसाएंगे उन लोग के साइड। उनके घर में है कि नहीं वो तो नहीं पता, बट चलो घुस के देखते हैं उन लोग है कि नहीं। सबसे पहले घुसते हैं उन लोग के घर। घर में है लगता है, घर और सब खुला है। चलो पूछते हैं है कि नहीं। सीम दांग मेना को अपरे बोले ना चीर का सा कुदा का तलिंग सा को दांग ना के दांग दार कर दार बाड़ी। हां बाबा को छावा जाना बाड़ी में। बाड़ी उड़े रे कासिम। जैसे कि देख लिए फ्रेंड, हम मिल चुके हैं घर वाला जो थे जहां से मुर्गी लेने वाले थे, और मुर्गी सबको छोड़ दिए हैं। तो हम अभी उन मुर्गी सबको भगा भगा के पकड़ने वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे वो मुर्गी सब किधर है देखते हैं। वो मुर्गी सब मिल ले रहे हैं, देख रहे हो कितना जंगल टाइप का है। हम लोग उधर किधर देखने वाले हैं अभी। तो जब मिल जाएंगे सबको बताएंगे किधर है, हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी। फाइनली मुर्गे हम लोग को मिल गए हैं और मैं दिखाने वाला हूँ वो कहाँ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पर दो दो ब्लैक कलर के दो मुर्गी हैं। हम वो दोनों को पकड़ने वाले हैं अभी। तो पकड़ने के बाद दिखाते हैं आपको। दोनों मुर्गे हम लोग को बहुत परेशान कर दिए हैं। हम लोग भगा भगा के उनको पकड़ रहे हैं, कैसे भगा रहे हैं देखिए। अगले बुंदा निकले अगले बुंद कहीं दिवे आधे 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 हाँ दे दबकी से हाँ देख सकते हो वहाँ छुपा हुआ है। हाँ दे हाँ दे मार रे पत्थर मार ना एलिपुन ओ भाई ओ
अब देख सकते हैं एक मुर्गी पकड़ लिए, अभी दूसरा और एक पकड़ेंगे। जैसे आप सबने देखा हम लोग ने कैसे भगा भगा के पकड़ा, अब देख सकते हो देसी मुर्गी को। इसका चिकन लटपट और ग्रेवी दोनों होने वाला है, तो कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। देख सकते हैं आप, मुर्गी भगाने के चक्कर में मेरा स्पार्की का चप्पल का एल लग गया है। अभी हम लोग मुर्गी पकड़ के गांव रिटर्न जा रहे हैं, घर रिटर्न जा रहे हैं, वहां दोस्त लोग वेट किए हुए रहेंगे और हम दिखाएंगे आपको। हम लोग का हाई स्कूल आ गए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ वेट किए हुए हैं और हम लोग थोड़ा देरी कर दिया आने में, तो सबको यहाँ वेट किए हैं। अभी हम लोग निकलेंगे हम लोग का मंजिल की ओर, फिर दिखाएंगे वहाँ वीडियो। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, दो तो हो गए अभी, ये बनेंगे अभी, फिर दिखाएंगे। बनते टाइम नहीं दिखाएंगे, बनने के बाद दिखाएंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हो देसी मुर्गी का लटपट बन चुका है और इसको हम दो प्लेट्स में निकाले हैं और दोनों को हम ब्रेड के साथ खाने वाले हैं। और इधर साइड में ब्रेड रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, सबको बता दूं, जो देसी मुर्गी का चिकन लटपट था वो बहुत टेस्टी था। और आप सबको हम लोग का देसी मुर्गी पकड़ने का स्टाइल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।